ये है मटन गाइस, मटन और चिकन लेके आया है हम लोग बाजार से। हम लोग जब नया नया चावल खाते हैं ना, तब हम लोग पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममसम ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपना घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग का धान का खेती काट के कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग धूप में धान सुखाया है और सुखा के खाल हम लोग मिल में चावल निकाला है। तो आज को हम लोग नया चावल पका के खाएँगे चिकन के साथ। तो अभी हम लोग फिलहाल बाजार जाएंगे मैं और देवर जी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और हम लोग दो खेती करते हैं ना, वो दो में से एक तो काट के कंप्लीट हो चुका है और एक तो काटने के लिए बाकी है खेती। तो चले चलते हैं दोस्तों बाजार में। अभी दोस्तों ये देखो नया, बिल्कुल नया चावल है ये वाला। मम्मी जी अभी अभी साफ किया है, ये देखो। आज हम लोग इसी चावल खाएंगे, एक साल के बाद मेहनत किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया है गैस नया चावल। ये देखो गैस, आज का मौसम बहुत ही खराब है, पूरा ही पूरा बारिश गिर रहा है। बाजार जा रही है दोस्तों, बहुत ही बारिश गिर रहा है, भीग भीग के जा रहे हैं गैस सतरी से। ये देखो, ये देखो यहाँ की नजारा, इधर से जा रही हम लोग। रास्ता में बहुत खच्चर खच्चर है गैस, पानी भी जमा हुआ है गैस, बहुत ही बारिश दे रहे हैं। तो गैस फाइनली अभी हम लोग बाजार में पहुँच चुके हैं। तो मुझे अभी पैसा निकलना है अकाउंट से, मेरा पास कैश पैसा नहीं है, इसलिए लोकल सब्जी गाइस। बैदगास तो गाइस बाजार दुकान से ले लेते हैं एक केजी चिकन। तो गाइस हमारा इधर में चिकन एक केजी लेते हैं 340 रुपीस लेते हैं, पूरा इतना मछली मछली। यहाँ से द्राकिस ले लेते हैं 100 का। ये देखो गाइस सब कपड़े के दुकान है ये वाला, और बारिश भी बहुत ही दे रहा है। और यहाँ से एक तो फैन ले लेती हूँ। तो गाइस शॉपिंग करके हो गया है, तो अभी मुझे प्याज लहसुन ले लेना है और मैं आप लोग को घर में जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया हूँ। और बैग भी एक तो ले लिया हूँ, वो आप लोग को नहीं दिखाया है। आंटी प्याज कितना है? 1 केजी ले लेते हैं प्याज। प्याज और दाल ले लिया हूँ 1 केजी। लो कितना अंकल? 1 केजी 1 केजी हाँ लो 80 बैदगास ले लेते हैं यहाँ से, मोटा 50 रुपीस है। एक केजी ले लेते हैं टमाटर कितना है भैया? 50 रुपया 50 रुपया अच्छा वाला दीजिए। यहाँ से एक तो ले लेते हैं तेल बोतल। तो गैस अभी मार्केटिंग करके हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गैस मैं फाइनली घर में पहुंच चुके हूँ, तो बाज़ार से ख्याल लाई हूँ, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गैस। तो गैस मैंने ये बाज़ार से लेकर आया है एप्पल, और ये बैदगास है, और ये है तेल सरसों तेल, और ये है टमाटर 50 रुपीस, और ये है ड्राई फिश, और ये दाल, और ये फैंस गैस, और एक तो फैन ले लिया हूँ मेरे लिए हाफ फैन, और गैस ये देखो मेरे लिए है हैंड बैग ले लिया हूँ बाजार से 300 रुपीस है गैस। और गैस यहाँ पर है नया चावल पक रहा है, और ये देखो यहाँ पे है चिकन। आग में पहले जला के बनाते हैं हम लोग चिकन, और यहाँ पे भी है ये देखो है बैदगास बनाऊंगी। अभी मैं कट कर रही हूँ, गरम मसाला। कुकिंग हो रहा है चिकन। तो गाइस हम लोग दो प्रकार का बना रही है चिकन, ये है टमाटर का साग और ये है
बिना था मटर से। अभी बना के रेडी हो गया है। तो गाइस ये रहा मटन, बाजार से लेके आया है, मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाया है। और ये है प्याज और ये है तेल गरम हो चुका है, और ये है लहसुन और मिर्ची, ये है हल्दी और ये है गरम मसाला। ये है मटन गाइस, मटन और चिकन लेके आया है हम लोग बाजार से। ये दो तो बुद्धवान जी को दे देगा और ये ट्रेडिशनल पूजा में करेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे। मतलब हम लोग जब नया नया चावल खाते हैं ना, तब हम लोग पूजा करते हैं। जहाँ में हम लोग नया चावल रखते हैं वहीं पे पूजा करते हैं। पहले चावल को हाथ में लेना चाहिए, पानी तो गाइस अभी पूजा करके हो चुका है। तो अभी मामी जी लोग मंदिर में खाना पहुँचाने के लिए जाएगा बांधी जी लोगों को। तो हम लोग सबसे पहले बुद्धवान जी को दे देते हैं और हम लोग का ट्रेडिशनल पूजा कर लेते हैं, उसका बाद हम लोग खा लेते हैं खाना। ले जी एप्पल, नया नया खाना देने के लिए जा रही है अभी मंदिर में सासुमा और देवर जी, और एप्पल भी लेके जा रही है। तो गाइस चिकन रेडी हो गया है, और ये है बैटगाज सब्जी, और ये है टमाटर चटनी खाएगा, और ये है मटन। तो गाइस अभी खाना वाना बना के रेडी हो गया है तैयार, और देवर जी और सासुमा मंदिर में नया चावल खाना देने के लिए दिया है, तो उन लोग को आने देते हैं, उसका बाद खाना खाएंगे। ये देखो आज का वेदर, धूप दे रहा है हल्का हल्का सा गाइस, अभी मंदिर से आ गया है। तो गाइस फाइनली खाना रेडी हो गया है, मटन और चिकन और टमाटर चटनी, और ये है बैटगाज, और ये है स्नैक गाट सब्जी। सो गाइस फाइनली यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहा है, इधर है देवर जी भी खा रहा है। नया चावल इसलिए बहुत टेस्टी है। तो गाइस फाइनली खाना बना हो चुका है, और यहाँ पे है देवरानी बर्तन धो रही है, तो और मैं एप्पल खा रही हूँ। तो गाइस सब पानी भर्ती करके रखा है मैंने। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुके हूँ डायरेक्ट मिर्ची का खेतों में। ये देखो गाइस ये है सब पूरा का पूरा मिर्ची का खेती है दोस्तों, और मैं साथ में ये बेल्टी भी लेके आई हूँ मिर्ची तोड़ने के लिए गाइस। और यहाँ पे है जीजू भी तोड़ रहा है, ये है जीजू का मिर्ची का खेती है गाइस। तो मैं जीजी को मदद करने के लिए आई हूँ मिर्ची तोड़ने के लिए, तो कल बिक्री करने के लिए जाएगा जीजू बाजार में, इसीलिए मैं तोड़ने वाली हूँ गाइस। ये है लोकल मिर्ची का खेत है गाइस, जीजू लोग कुछ दवाई केमिकल नहीं लगाते हैं, सब लोकल खेती है गाइस। ये देखो गाइस पूरा लोकल मिर्ची है, ये वाला पक चुका है लाल लाल, ये मिर्ची देखो इतना ज़्यादा मिर्ची, लोकल ग्रीन ग्रीन मिर्ची का खेत है गाइस। ये देखो गाइस लोकल पूरा ग्रीन ग्रीन, एक तो खाने से पूरा बहुत तीखा है, ये पूरा पाक चुका है। वाओ ना ज़्यादा मिर्ची है गाइस यहाँ पर, ब्लैक वाला है ये वाला, सिर्फ पक्का पक्का वाला को तोड़ लेती हूँ। तो गाइस बस इतना ही मिला हूँ और तोड़ना है,
बहुत टाइम लगता है गैस मिर्ची तोड़ने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है ना। और ये मिर्ची का गाची बहुत नरम है, इसलिए जल्दी जल्दी तोड़ने से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है मतलब, इसलिए हम नहीं तोड़ते हैं, धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है। वाओ जीजू तो मुझसे ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। किलो कितना बाजार में सेलिंग करता है जीजू? हाँ 100 रुपया। ओ 100 रुपीस। हाँ। तो गैस देवर जी ने फोटो लेने के लिए आया है, ओ देवर जी को मदद करने के लिए जा रही हूँ। सुबह को देवरानी खेती में आई थी फोटो तोड़ने के लिए, तो अभी देवर जी सेलिंग करने के लिए जाएगा, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी गैस कहाँ में थोड़ा है पोटल। इधर से जा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए पोटल का खेती, ये देखो बहुत ज़्यादा पोटल है गैस, लोकल पोटल। और ये दो बोरा फुल करके बोरा लेगा ना देवर जी? देखो अभी बैग से लेके जाएगा लदिंग करके यहाँ पे। किलो कितना सेलिंग करेगा? 30 रुपीस। तो गैस 1 किलो 30 रुपीस सेलिंग करता है देवर जी, अभी मैं मदद करूँगी इसको बड़ा पकड़ना है। पोटल बहुत भारी है, तो गैस सिर्फ बस इतना ही मिला है, थोड़ा के लिए एक गलती नहीं हुआ है। ये देखो दोनों सेम सेम मिला है, सूरज भी डूब रहा है गैस, जल्दी जल्दी घर जाना है। तो गैस फाइनली अभी हम लोग घर जा रहे हैं, 2 बाल्टी मिला है मिर्ची, रात में पहुंच चुके हूँ और शाम भी हो गया है दोस्तों, अभी का टाइम हो गया है, 5 बज गया है। और जीजू आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, दूर दूर के गैस। और पानी भी बहुत प्यास लग रही है हमको, हम बहुत देर थक थोड़ा है मिर्ची, सिर्फ 2 बाल्टी मिला है, इतना देर हो गया है गैस। तो गैस पानी ले पहुँच चुके हूँ घर में, अभी मिर्ची बैग में डालना है। वाओ फूल एक बैग हो गया है गैस। जीजू अभी घर जा रहा है अपना घर ना जीजू? हाँ। तो गैस फाइनली आ गई हूँ मेरा रूम में, बेडरूम में गैस। तो मैं पानी ले नहा धो लिया हूँ और नहा धो के कपड़ा चेंज किया हूँ, तो देवरानी खाना बना रही है, हम लोग कुछ देर के बाद खाना खाएंगे। अभी का टाइम हो रहा है 6 बज गया है, रात हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो जो है यही पे एंड करते हैं, और चैनल पर आप नया तो मेरा वीडियो को अच्छी पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलेंगे गाइस।